وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية احترام اور دل کی گہرائیوں سے سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معلی جود الکرم یہ عجیب اور غریب واقعہ ظہور پذیر ہوا کہ عزیز گرامی قدر سید افضل میاں اللہ ان کی عمر میں اور ان کی حفظ و درایت میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ان کی آج دستار بندی ہے، سبحان اللہ، ابھی ہوئی نہیں، مگر غیاث ملت نے سب سے پہلے ہم لوگوں کی دستار بندی کرا دی. جی سبحان اللہ. ان کی دستار بندی سے پہلے ہم لوگوں کی دستار بندی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. گویا کہ دستار بندی کرنے جو آئے تھے وہ خود مستحق تھے کہ ان کی دستار بندی کی جائے. بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، دستار بندی کے لائق بھی نہیں. اب یہاں میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا، دل کی کھڑکیاں کشادہ رکھیں گے. یاد رہے کہ دین کا اور دین کے احکام کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے چونکہ میرے آقا سرور کائنات کو آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرمایا، فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر
अल्लाह ने जो किताब उतारी अब कोई किताब न उतरेगी। और आप जो दीन लेकर आए अब कोई दूसरा दीन न आएगा। बेशक इसलिए अब क्या क़यामत तक सिर्फ बेदीनी का दौर होगा? हर चीज नहीं, बल्कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इस दीन को कायम रखने का वादा किया। जब जद्दाबतुल अर्द आएंगे और लोगों की पेशानियों पर नूरानी या काफिर कुफर का निशान लगा के जाएंगे, उसी वक्त एक हवा चलेगी जितने दिल में ईमान की रोशनी रखने वाले हैं। उस हवा की खुशबू से आनंद फानंद दुनिया से कूच कर जाएंगे। अब दुनिया में कोई भी साहिब ईमान न रहेगा, वो वक्त दूर है। मगर उस वक्त तक दीन को तो कायम रहना है, तो अगर वो किताब महफूज न रहे तो दीन कैसे कायम रहेगा? और वो सुन्नत अगर महफूज न रहे तो फिर दीन कैसे महफूज रहेगा? आप सोचो आसमान से किताबें कितनी उतरी मुझे तादाद मालूम नहीं, मगर मैंने पढ़ा कि 10 सहीफे आदम अलैहिस्सलाम पर उतरे। नूह अलैहिस्सलाम पर क्या क्या उतरा, इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे उतरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे उतरे, और इनके अलावा दूसरे अंबिया और रुसुल पर कितनी किताबें और सहीफे उतरी, उनका न मुझे इल्म है न मैं उनकी कोई कॉपी कहीं पाता। जिस दीन को वो लेकर आए वो एक मुतअद्दिद मुतअज्जल वक्त तक करता। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दीन भी महफूज रहा, वो किताब भी महफूज रही। क़यामत तक के लिए अगर वो दीन उतरे होते तो तौरात को कोई नहीं बिगाड़ सकता था, इंजील में कोई तहरीफ नहीं हो सकती, ज़बूर में कोई भी रद्द बदल ना हो सकता था। मगर कुरान, क्या इस कुरान के लिए रद्द बदल की कम कोशिश की गई? मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन रद्द बदल करते थे। और तो और कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद फरमाया कि नबी पाक जब कुरान की तिलावत करते हैं अल्का शैतानु फी उम्नियती, उनकी किराअत के बीच में जैसे ही वो सत्ता करते हैं शैतान अपनी बात फूंक देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बोलो तारीफ करने का काम जारी था कि नहीं? मगर वो तहरीफ में शैतान जब कामयाब न हो सका, जी बेशक बेशक, तो शैतान के ना हंजार औलाद का क्या काम? हक है, हक, हक, बेशक बेशक। 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, सोचो हिजरत किए हुए मेरे आका के कितने साल हो गए? 1442 साल चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ गए? और कुरान का नुज़ूल
10 साल पहले से हो रहा है। 10 साल तक मक्का मुकर्रमा में कुरान उतरा, 10 साल मदीने मनवरा में उतरा। अब मतलब यह हुआ कि कम से कम 1452 साल तो हो गए जी, और इस मुद्दत में क्या कोई एक आयत भी बदल सका? नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भी उसमें तरमीम की जा सकी? नहीं। क्या लोगों ने कोशिश नहीं की होगी? जी जी। अभी माजी करीब में कितनी कोशिशें कर चुका है कादियानी जी, कितनी कोशिशें की इस्माइल देहलवी ने। इसीलिए तो कहा कि अल्लाह चाहे तो अपनी आयतें भुलवा कर दूसरी उजागर कर दे। वाह वाह, ये तो खुद इसी बात की तमहीद है। जी जी जी, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत कर रहा है। बेशक हिफाजत का क्या इंतजाम किया? अल्लाह फरमाता है कुरान हमने उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, समझ में आई बात? तौरात उसी ने उतारी मगर ये वादा ना फरमाया हम इसकी हिफाजत करेंगे। इंजील उसी ने उतारी, जबूर उसी ने उतारी, सुहफ़े आदम उसी ने उतारे, सुहफ़े इब्राहिम उसी ने उतारे। इन हाजा लफी सुहफ़ अल-उला, सुहफ़े इब्राहिम व मूसा। जी, कितने सहीफे उतरे मगर किसी में अल्लाह ने ये वादा ना किया हम इसके हिफाजत करेंगे। वाह वाह, मगर कुरान हकीम के बारे में उसने वादा किया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हिफाजत करने का क्या है? सुभान अल्लाह, मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान उतरता तो उसकी हिफाजत के लिए खुद साथ साथ पढ़ना शुरू करते। इधर जिब्रील अमीन पढ़ते और इधर मेरे आका उसको याद करके फारिग रहते। सुभान अल्लाह। पढ़िए बुखारी शरीफ पहली नहीं दूसरी हदीस, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हारिस इब्न हिशाम रसूल पाक की खिदमत में आए। हारिस इब्न हिशाम कौन है? अबू जहल इब्न हिशाम के भाई, समझ में आई बात? हाँ, फतेह मक्का के दिन इस्लाम लाए और एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे एक ऐसा अमल बता दीजिए कि उसको करूं तो मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। फरमाया जुबान अक्दस को ऐसे चुटकी में लिया अलैका बिहादा, अल्लाह अल्लाह, यानी जुबान को कंट्रोल में। सुभान अल्लाह तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब हारिस इब्न हिशाम तिलावत कुरान जिक्र इलाही और आकाम शरीयत बयान करने के अलावा अब कोई बात बोलेगा ही नहीं। अल्लाह, पूरी जिंदगी गुजारती इसी तरीके। सुभान अल्लाह, एक भाई जहन्नम में सबसे बड़ा जी, बोलिए एक भाई जन्नत का कितना बड़ा सिपाहसालार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं हारिस इब्न हिशाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु तआला कई फजाती कल वह आपके पास कुरान की वही किस तरह पर उतरती है। फरमाया दो तरीके पर, रुबमा या तीनी मिसल फल फल तिल जरसी वहुआ अशब्दु अलज्जा فَيُفْتِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وَرُبَّمَا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْنِي مَا يَقُولُ۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی قرآنی کے اترنے کا ایک طریقہ یہ ہے कि जैसे घंटा बजाया जाए ठक मारो, उसके बाद कुछ देर तक गूंज होती है ठक जी, ऐसी आवाज घंटे में आवाज आती है, उसी तरह जैसे घंटे की झनझनाहट जी जी बिल्कुल वैसे ही सुभान अल्लाह कुरान के नज़ूल की तिलावत होती। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान वह हुआ अशद्दु अलैया, वही की सबसे मुश्किल किस्म ये है, मगर अल्लाह ने आसान कैसा किया। सुभान अल्लाह सुभान फरमाते हैं फयुफ्तिमु अन्नी, वही का सिलसिला मुनक़ते हुआ और मैं पहले ही याद कर चुका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वक़्त वाए तो युफ़्सिमु मुदारे का सेवा युफ़्सिमु वक़्त वाए तो अनहु और मैं याद कर चुका हूं, खत्म हो रही है और मैं याद कर चुका हूं। सोचो ये लोग कहते हैं कि क्या पढ़े लिखे आए, और तुम देख लो ये शान है कि अल्फाज और उसके एराब और हरकतों जज्बों सुकून सबका इम्तियाज करना बड़ा मुश्किल काम, मगर इधर मेरे आका पर वही उतर रही है, सारे इम्तियाज आप पर खुलते चले। सुभान अल्लाह सुभान और आप उसको याद करके फारिग है। सुभान अल्लाह दूसरा तरीका ये कि वो फरिश्ते जो वही लाते हैं यानी जिब्रील अमीन, वह ये कुरान सिर्फ हजरत जिब्रील लाते थे, तो वो आदमी के शक्ल में मेरे साथ सामने आते हैं और मुझसे बात करते हैं, वो मुझसे मेरे सामने पढ़ते जाते हैं और मैं याद करता चला जाता। सुभान अल्लाह ये और रसूल पाक से सुनकर हजारों सहाबा ने कुरान मजीद का हिफ्ज किया। बेशक बेशक अभी मुसहफ तैयार नहीं, मगर कुरान के हिफाज मेरे आका के दौर में कई हजार मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ में आ रही बात बेशक, मगर मसला ये है कि कुरान का याद करना आसान काम है नहीं। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना ज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह अगर कुरान को हम उतार देते दुनिया के अजीम पहाड़ पर तो तुम देख लेते अल्लाह कि वो पहाड़ खौफ इलाही से लरजने लगा और फट कर रेगिस्तान हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर रेगिस्तान मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कितना वजन है कुरान मजीद की वही में अंदाजा करो, कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है कि अगर पहाड़ पर उतर जाता
तो पहाड़ अपनी जगह न रह जाता, पहाड़ पहाड़ ही न रह जाता, जगह क्या वो रेत की तरह उड़ जाता। अल्लाह अकबर, समझ गए? इससे समझ में आता है कि मेरे आका पर पूरा कुरान नाज़िल हुआ, सुभान, नासिक भी मनसूख भी सारा कुरान उतरा, मगर क्या मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उंगली भी बाकी हुई न? कमर झुक गई? नहीं, वाह 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 वाह, सुभान, गर्दन में दर्द शुरू हो गया। वही आते वक्त आपकी एक अलग कैफियत होती थी, बेशक आप इतना बोझ उसका होता वही का कि जैसे एक मजदूर एक दो कुंटल का बोरा पीठ पर लाद कर 10 कदम चले तो सांस फूल जाती। जी जी, तो मेरे आका पर वही उतरती थी, सांस फूलने लगती थी, इतना वजन होता था। मगर क्या उसकी वजह से आपका आपको कोई फेफड़े की शिकायत हुई? क्या आपको कोई खून के दौरान में शिकायत हुई? ब्लड प्रेशर हाई या लो हुआ? कुछ नहीं। वलल आखिर तो खैर सुभान अल्लाह, जितनी वही उतरती जा रही है उतने ही आप कि मरातिब भी इल्म भी कुव्वत भी सब में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ गए? इससे समझ में आया जहां पर पहाड़ की कुव्वतें बर्दाश्त खत्म हो जाती है, बेशक मेरे आका की कुव्वतें बर्दाश्त वहां से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए ये कुरान इतना बावजन, इसको कोई याद कर पाएगा? जो याद करे कलेजा फट जाए, बेशक बेशक, उसके इस वही के बोझ से वो चटनी हो जाए। बेशक, जब पहाड़ रेगा रेगा तो चेपिद्दी चेपिद्दी का छोरबा ये आदमी क्या होता? मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सरवरे कायनात अब रहमतुल आलमीन है, रहमतों से छन कर अब ये कुरान आ रहा है। सुभान अल्लाह, इसकी अब चांद ये है कि रब्बे कदीर फरमाता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी पाक पर कुरान को उतार कर हमने याद करने वालों को के लिए बड़ा आसान कर दिया। सुभान अल्लाह, है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? कुरान इस तरह से लोगों को दावत दे रहा, वाह वाह वाह, दावत दे रहा है, हमने आसान कर दिया। मेरे उस्ताद उस्तादुल उलमा हाफिजुल मिल्लत वद्दी, सुभान अल्लाह, आप बड़े जज्जिद हाफिज थे, सुभान अल्लाह, और पता नहीं कितने कितने हजार या लाख आपने खत्म कुरान किए होंगे। कोई वक्त आप अपना जाय न जाने देते, पढ़ते पढ़ते रहते। हालत ये थी कि नींद आ जाती, नींद से सो रहे हैं और जुबान पर जुबान हरकत में है, सुनिए कान लगा के तो कुरान की तिलावत हो रही है। कुरान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान, सुभान अल्लाह, सुभान। वो फरमाते थे कि दुनिया में हर किताब का याद करना मुश्किल तो हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा आसान जिस किताब का याद करना है हाँ, वो कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर फरमाते मगर ये भी याद रखो कि सबसे ज्यादा जो किताब जल्दी भूलती है
वो कुरान है जी। इसलिए सुन लो कि जो याद करने बढ़ेगा जल्दी याद होगा, जो बेनियाज होगा कुरान उससे ज्यादा बेनियाज है। जी जी। गोया के एक हदीस कुत्सी का एक माना बताया कि मन तकर्रब इलैया शिबरन तकर्रब तो इलैही ज़राअन व मन तकर्रब इलैया ज़राअन तकर्रब तो इलैही बाअन। अल्लाह। जो मुझसे एक बालिश करीब मेरी तरफ बढ़े तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो एक हाथ बढ़ेगा तो मैं एक बार बढ़ सुभान अल्लाह। इतना समझ रहे हैं आप, ये शान है सुभान। बहरहाल कुरान मजीद का नुज़ूल इतना मुश्किल, सैयदना बरा इब्ने आतिब और सैयदना ज़ैद इब्ने साबित दोनों थे, बुखारी शरीफ में यह हदीस मरवी। मैं दोनों का मतन करीब करीब एक है मगर मैं तर्जमा करूंगा। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि कलम दवात और लिखने के असबाब लेकर आओ, मैं पहुंचा लेकर। फरमाया लिखो आयत لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله। इतने में एक साहबी आंख से माजूर सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा क्या कसूर है कि मुझे इतने बड़े दर्जे से घटाया जा रहा। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जो घर में बैठे रहे और वो लोग जो मैदान जिहाद में गए, दोनों मुसलमान हैं मगर बराबर नहीं है। अल्लाह या रसूल अल्लाह बहुत जिहाद का शौक है मेरे दिल में मगर क्या करूं मेरे पास आंख नहीं, अब मैं कैसे जिहाद करूं। तलवार दोस्त पर न चल जाए दुश्मन पर चल, जैसे जो आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ेगा तब भी उसको खड़े होकर पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान। समझ गया। तो अब मैं मुझे क्यों महरूम किया जा रहा है, तो सरकार ये नहीं फरमाते हैं देखो ये कलाम अल्लाह का है मुझसे मत कहो डायरेक्ट अल्लाह से कहो। जी जी। मुझसे क्यों कहते हो, ये मेरे आका ने जवाब न दिया क्योंकि सहाबा भी जानते थे मेरे आका को तो सुभान अल्लाह पहले ही से मालूम था बेशक कि जो बात अल्लाह को पहुंचानी है खुद पहुंचाओगे तो पता नहीं कहीं रास्ते में रहता है। हाँ और नबी के जरिए से कहो तब सुभान अल्लाह जरूर मानी जाए बेशक बेशक हक सुभान अल्लाह। आते हैं रसूल पाक ने मुझको अपने करीब बिठाया था, आपकी रान का कुछ हिस्सा मेरी रान के ऊपर था। करीब क्यों बिठाया कि किताबत जब वही की कराती तो देखते रहते बा जरा बेकुल लंबा करो दबरिल मीम अल्लाह मीम का जरा पेट का दायरा सही करो सुभान अल्लाह। ये सब बताते थे सुभान अल्लाह। यहाँ पर अलिफ बढ़ाओ सुभान कालू के बाद अलिफ बढ़ाओ है मुसाइतिर स्वाद से लिखो पढ़ोगे मुसाइतिर सुभान अल्लाह सुभान मगर स्वाद से लिखो। हाँ सुभान अल्लाह। इसलिए रसूल पाक बिल्कुल करीब बिठाते थे सुभान। अब ज़ैद इब्ने साबित कहते हैं कि मेरी रान का
कुछ ही था रसूल पाक की रान से ऐसे टच था। सुभान अल्लाह। इतने में जैसे ही कहा अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने, मैंने महसूस किया कि रसूल पाक की सांस फूलने लगी, तेजी से सांस फूलने लगी। अब मुझे समझ में आया कि हुजूर पर वही उतर रही है। अल्लाह। इतने में रसूल पाक की राने अब तक का वजन मेरी रान पर इतना पड़ गया। अल्लाह। कादत फकीदी अंतरफा, करीब था कि मेरी रान की हड्डी चकना चूर हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझ गए? अल्लाह अल्लाह। फिर आप नॉर्मल हाल में आए, फरमाते हैं हयात में एक लफ्ज बढ़ाओ, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, मगर अब एक लफ्ज बढ़ाओ, गैर उलिल ज़रर, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आयत ये हो गई है, मुसलमानों में वो लोग जो के घरों में बैठे रहे, मजबूरों के सिवा, मालूरों के सिवा, वाह वाह, और वो लोग जो मैदान में गए, दोनों बराबर नहीं। अब मालूरों का इस्तेमाल कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बदल रात की हड्डी चकना चूर हो जाए, ये वजन। इससे आप समझो कि इतना वजन, मगर अल्लाह ने फरमा दिया कि नबी पाक के तुफैल में इस किताब को हमने बहुत आसान कर दिया है। सुभान अल्लाह। है कोई याद करने वाला? याद करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक के जमाने में हजारों हफ्फाज़े कुरान ताबेईन के पीरियड में लाखों की तादाद थी। सुभान अल्लाह। और फिर बढ़ते बढ़ते आज ये हाल है कि कई करोड़ हिफाज़े कुरान है। बेशक बेशक। और हिफाजत की ये शान कि अगर कोई गलत पढ़ दे तो एक बच्चा भी खड़े होकर बेशक बेशक उसको टोक दे। अब कुरान याद करने वाले कैसा याद कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। बूढ़े भी याद कर रहे हैं, बेशक बेशक, बच्चे भी याद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, जवान भी याद कर रहे हैं, मर्द भी याद कर रहे हैं, औरतें भी याद कर रही हैं। और मेरे पास तो ऐसी भी रिवायत कि याद करने वाले शिकमे मादर भी याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कुरान का याद करना इतनी तादाद में फर्ज किफाया है कि जिससे उसका तवातुर कतई बाकी रहे। तो अब ये फर्ज किफाया अदा कराया है हजरत गयाते मिल्लत ने जी जी अपने बच्चे से। अल्लाह तबारक व ताला काम लेता है तो जिन पर न कोई चीज फर्ज है न वाजिब है उनसे भी फर्ज अदा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। सच में आई बात, हाल ये है कि अगर कोई मजा हुआ हाफिज कुरान तरावी पढ़ रहा हो और बच्चा सुन रहा हो, कहीं गलती हो गई तो बच्चा टोक के सही कर दे। जी जी, बेशक समझ में आती है बात। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान रखी। ये तो मैंने थोड़े इजमाल के साथ हिफ्ज़े कुरान की बात कर दी, और हिफ्ज़े हदीस का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने
उलमा मिल्लत इस्लामिया के कांधे पर रखा। इस वजह से कि हिफ्ज़े हदीस का मामला ऐसा है कि उसमें रसूल पाक सारी हदीस मजमे आम में नहीं सुनाया करती, पुराने पाक में ये नमाजों में तिलावत नहीं करते थे। एक आदमी दो आदमी ने सुनी, चार आदमी ने सुनी, बाद हदीसें लाखों ने सुनी, तो ये सब होता था। तो इस तरह हदीसों के याद करने उसके सेहत सुख और उसके हुस्न और उसके दोस्त सब चीज का बाकायदा जायजा लेने की जरूरत। बेशक बेशक। और ये काम उलमा ही कर सकते हैं। इसलिए हारून रशीद के दरबार में एक जिद्दी तदीस करने वाला लाया गया। खलीफे हारून रशीद के सामने गवाहियां गुजरी कि ये शख्स हदीसों को गढ़ता है। अल्लाह हू अकबर। जब साबित हो गया जुर्म तो खलीफे हारून रशीद ने कहा जल्लाद को बुलाओ और मेरे दरबार में चमड़े का फर्श बिछा जी, उस पर इसको खड़ा करके मेरे दरबार में कत्ल किया जाए। मेरे रू भरू जल्लाद आ गया, वो बीच में खड़ा किया गया। तो अब अभी तलवार उठी नहीं थी कि इतने में वो जिंदगी कहता ए अमीरुल मोमिनीन, हे अमीरुल मोमिनीन मुझे तो कत्ल कर दोगे, मगर ये बताओ वो 4000 हदीसें क्या करोगे जो मैंने गड़ गड़ कर मुसलमानों में फैला दी है। अल्लाह हर्रमु फी अलहलाल व हर्रमु व व व हललो फी अलहराम, मैंने उन हदीसों में कितने हलाल को हराम कर दिया, कितने हराम को हलाल। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह अब मुसलमानों के घर घर में वो हदीसें पहुंच गई हैं, अब उनको कहां कहां कत्ल करोगे। तो खलीफे हारून रशीद को जलाल आ गया, उसने कहा है नाम सैया जिद्दीक मिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक व मिन अभी साकल फरानी है। जिद्दीक अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को नहीं पहचानता है, 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 है। अबू इसहाक को नहीं पहचानता, जब तक वो हैं तेरी एक एक हदीस चलने में चाल चाल कर बूटे की तरफ फेंक देंगे। जी जी वाह वाह। इसलिए अब हदीसों की याद या हदीसों को याद करने और उसको फैलाने का जिम्मा उलमा के ऊपर गया। समझ गए बात को, मैं तूल देता मगर एक तो मेरी तबीयत खराब, वक्त बहुत हो चुका और मुझे अभी फौरन सुबह घर पहुंचना है और पहुंच करके कुछ सामान रखना कुछ लेना है और मुझे तेलंगाना जाना है, कर्नाटका जाना है, कहाँ कहाँ। इसलिए मैं आप हजरात से माजरत करते हुए इतने ही पर इजाजत लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत करे। याद रखो, आमीन, याद रखो, सबसे ज्यादा जरूरी जिस चीज की हिफाजत है वह न आंख की हिफाजत, न कान की हिफाजत, न पैसे की हिफाजत, न कपड़े की हिफाजत, न जूते की हिफाजत, न टोपी और इमामे की हिफाजत, और न माल के खजाने की और तिजारियों तिजारतों की और बिजनेसों की, ये सब कुछ नहीं। अल्लाह ने बहुत नेमतें दी तुम्हारे अंदर भी बाहर भी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, बहुत नेमतें दी उनका शुमार हीते इख्तियार से बाहर। फरमा दिया
کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے حساب سے باہر. شیخ سعدی نے فرمایا سب نعمتوں کی بات کیا کرتے ہو، ایک نعمت کا حساب لگاؤ. سانس ایک نعمت ہے اور ہر سانس ایک نعمت دو نعمت ہے. اپنے اندر دو نعمت رکھتی ہے، ایک سانس اندر گئی باہر آئی، اندر جانا ایک نعمت، باہر نکلنا ایک نعمت. دو، اندر گئی اور وہیں ٹھہر گئی تب کیا ہوگا، وہیں رہ گئی تو اب کیا ہوگا، کفن دفن کا انتظام. اور اگر باہر آئی اب اندر جانے کو تیار نہیں تب کیا ہوگا، تب بھی وہی. تو ایک ایک سانس اپنے اندر دو نعمت رکھتی ہے، اندر آئے تو باہر نکلے، باہر جائے تو اندر بھی آئے. سمجھ میں آیا؟ اب ایک منٹ میں کتنی سانس لیتے ہو، اللہ مان لو کہ دس، جی ہے اس سے بھی کم کر لو، مگر ایک گھنٹے میں کتنی ہوئی، دن بھر میں کتنی ہوئی، اللہ اللہ اللہ، دن رات ملا کے کتنی ہوئی، ہفتے میں کتنی ہوئی، اللہ مہینے میں کتنی، سال میں کتنی، آج تک جتنا زندہ رہ چکے آج تک کتنی، اللہ اللہ اللہ، جی بتاؤ حساب لگا سکتے ہو؟ نہیں. کوئی کیلکولیٹر لے لو، بڑے سے بڑے فیگر لکھنے والا، جی وہ لے لو، حساب لگے گا؟ بالکل. یہ وہ چیز ہے، ایک نعمت کا حساب نہیں لگا سکتے. بہت نعمتیں اللہ نے دی، پانی برسایا، سبزے اگائے، کھیتیوں کو لہلہا دیا اس نے، باغات باغات اسی کے حکم سے پھلے پھولے اور طرح طرح کے میوے اس نے نکالے. کہاں سے نکالے؟ کوئی چیز تم نے اس میں ڈالی تھی کہ یہ یہ چیز ڈالو تاکہ نمکین والا پھل نکلے، یہ چیز ڈالو میٹھا والا نکلے، اللہ یہ کھٹا والا نکلے، یہ بکھا والا نکلے، یہ ایسی چیز ڈالی اس زمین سے ہی نکل رہا. سبحان اللہ. آیا مگر اس زمین کی پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت، بے شک کہ جو بیج ڈالو اسی طرح کا پھل نکالے. سبحان اللہ. سبحان. کبھی ایسا نہ ہوا کہ بویا چنا باجرا ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، ہوا کبھی؟ اللہ کی قدرت. کبھی ایسا ہوا کہ نمکوڑی لگائی آم پھلا، آم لگایا سیب پھلا، ہوا کبھی؟ نہیں. اس زمین نے کبھی خطا نہ کی. سبحان اللہ. تو خطا ہو رہی ہے مگر زمین نے کبھی خطا نہ کی. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے اسی لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. ہر ذائقہ اس مٹی میں ہے، ہر خوشبو اس مٹی میں ہے. چمیلی لگاؤ تو خوشبو چمیلی کی، گلاب لگاؤ، بیلا لگاؤ، نسترن لگاؤ، چمپا لگاؤ، جو لگاؤ وہ خوشبو. بے شک. سبحان اللہ. سبحان یا اللہ، کتنی خوشبو ہیں اس کے اندر، کتنے ذائقے ہیں اس کے اندر، کتنے رنگ ہیں اس کے اندر، یہ رنگ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں سے آئے؟ زمینی میں سے. تو یہ سب رنگ آئے، یہ پیلا، یہ لال، وہ ہلکا گلابی، یہ تیز گلابی، اور یہ دیکھو یہ وہ رنگ آئے جس پر آج کل یہ جھنڈا بھی بنتا ہے. ہاں یا اللہ، یہ سب کیا؟ جی جی. کیا یہ سفید طرح طرح کے رنگ؟ سبحان اللہ. سبحان یہ سب کہاں سے نکلے؟
मिट्टी में थे तो बेशक बेशक है सुभान कुल्लुकुम मिन तुराब है सब मिट्टी से बने हो। इस मिट्टी को अगर समझ लिया होता शैतान ने तो फौरन सजदा कर। जी जी बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक हमने समझा तो इसलिए हम कहते हैं कि ए इंसानों जरा अपनी खमीर को देखो और ऐसे औसाफ अपने अंदर पैदा हाय हाय अल्लाह में आई बात। हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब आपके लिए नेमतें दी मगर कहीं कहा मैंने पानी बरसाया बड़ा एहसान किया नहीं मैंने सब्जी उगाए बड़ा एहसान किया नहीं मैंने चना बाजरा और शलजम भिंडी ये वो सब पैदा किया मैंने ऊंट गाय बैल गधा सब पैदा किया तुम्हारी सवारी के लिए और तुम्हारा खेत जोतने के लिए ये पैदा किया मैं एहसान जताता हूँ एहसान जताता हूँ कहीं कहा नहीं नहीं मगर फरमाया हाय हाय قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیں تمام لوگوں سے کہ کوئی اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر نہ جتائے अल्लाह नबी पाक पर कोई एहसान न जताए बल्कि अल्लाह एहसान जताता है कि ईमान की हिदायत और ईमान की नियामत अता की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आई बात वाह वाह अल्लाह ने एहसान जता दिया बेशक और आंख दी कान दिए जुबान दी कुछ नहीं एहसान नहीं जताया नियामतों का बयान हुआ मगर एहसान न जताया। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानहु वशफतैन वहदैनाहु नजदैन अल्लाह सब देखते जाओ मगर अल्लाह ने एहसान न जताया एहसान जताया तो ईमान पर बेशक इसलिए लोगो समझो इतनी नेमतें दी एहसान न जताया एक नेमत दी एहसान जताया ये बताने के लिए सब नेमतें इस एक नेमत पर कुर्बान बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त आए तो उसके लिए सब कुर्बानियां दो फरमाए फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है जमाना कि मुसलमानों का सबसे कीमती माल उसकी बकरियां न बैंक बैलेंस न फैक्ट्रियां न तिजारतें न तिजोरियां ये वो बड़े बड़े जमीन के पिलाव बागात ये सब कुछ नहीं किसी काम के नहीं बकरियां सबसे कीमती माल कि उनको हका कर आदमी पहाड़ की चोटियों और जंगलात में भागेगा ताकि अपना ईमान बचा सके। अल्लाह 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 और बकरियों के दूध पर अपनी जिंदगी बचाए और वहां चोटी पर रखकर अपना ईमान बचाए। सुभान अल्लाह ये अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको ईमान के हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और एक आसान तरीका जो आपको मौलवी अबू यूसुफ मोहम्मद ने बता दिया कि आला हजरत का दामन मजबूती से पकड़ो शैतान भागेगा तुम्हारा ईमान लूटने से। अस्सलामु अलैकुम।